देश का नंबर वन राज्य बन गया है बिहार। गुजरात पीछे है, पंजाब पीछे है, महाराष्ट्र भी पीछे है, आंध्र प्रदेश ही नहीं कुल 16 राज्य पीछे हैं। कभी बीमारू था बिहार, लेकिन अब आई है विकास की बहार। जीडीपी की ग्रोथ रेट में बिहार बना है देश में नंबर वन राज्य। 2014-15 13.2%, 2015-16 7.14%, 2016-17 10.3%, 2017-18 11.3%। ये तस्वीर है उस बिहार की जिसे कभी बीमारू राज्य कहा जाता था, यानी जो कभी सबसे पिछड़े राज्यों की श्रेणी में शामिल था। लेकिन आर्थिक विकास दर के आंकड़े ये बताने के लिए काफी हैं कि बिहार में अब बीमार नहीं है, यहाँ विकास की बहार है। नीतीश कुमार की अगुवाई में राज्य का विकास देश के दूसरे राज्यों के लिए मिसाल बना है। वित्त वर्ष 2017-18 में राज्यों के विकास दर के मामले में बिहार टॉप पर है। उसकी विकास दर पिछले साल रही देश की विकास दर 6.7% से काफी ज्यादा है। रेटिंग में आंध्र प्रदेश 11.2% के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि गुजरात तीसरे स्थान पर है। देश की दो प्रमुख रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स और क्रिसिल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अधिकांश राज्यों की स्थिति पिछले 5 सालों में सुधरी है, लेकिन राजकोषीय घाटे को लेकर राज्यों को सतर्कता बरतने की जरूरत है। लोक लुभावन नीतियों की वजह से कई राज्यों में कर्ज का भारी बोझ है। इंडिया रेटिंग्स ने 2018-19 के लिए राज्यों के राजकोषीय घाटे का अनुमान 2.8% से बढ़ाकर 3.2% कर दिया है। नीतीश कुमार को यूं ही विकास पुरुष नहीं कहा जाता। 2017-18 के विकास के जो आंकड़े सामने आए हैं उसने बिहार सरकार को खुश होने का एक बड़ा मौका दिया है। राज्यों के ग्रोथ के मामले में बिहार पूरे देश में अव्वल आया है और वित्तीय वर्ष 2017-18 के मामले में राज्य सकल घरेलू उत्पाद के मामले में बिहार 11.3% की रफ्तार से आगे बढ़ा है। जाहिर वित्त वर्ष 2017-18 में राज्यों के विकास दर के मामले में बिहार ने सभी को पीछे छोड़ दिया है। रेटिंग्स एजेंसी क्रिसिल ने उन 17 राज्यों की रेटिंग जारी की है जो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स डेटा आधारित मापदंडों के मुताबिक विशेष श्रेणी में नहीं आते। बिहार के आर्थिक विकास दर के ताजा आंकड़ों पर अर्थशास्त्रियों ने भी खुशी जाहिर की है। पब्लिक हेल्थ में, सड़क में, पावर में, बिजली में, बिजली वगैरह की समस्या दूर की है हमने। गांव-गांव तक हम कहते हैं कि गैस और बिजली हम पहुंचा रहे हैं। सड़कें भी बनी हैं, मोबाइल टेलीफोनी बढ़ा है। ये सब का एक हम लोग इकोनॉमिक्स में कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट होता है अन्य आर्थिक क्षेत्र में, और इससे बिहार की GDP पर बहुत प्रभाव पड़ा है। अर्थशास्त्री और एसोसिएट प्रोफेसर नंदिनी वर्मा का मानना है कि पिछले 13 साल में बिहार में बहुत काम हुआ। सड़क, बिजली और निर्माण के क्षेत्र में हुए विकास ने बिहार को तरक्की की राह में लाकर खड़ा कर दिया है। विकास के नए आंकड़ों ने राज्य सरकार को गर्व करने का मौका जरूर दे दिया है। JDU नेता श्याम रजक का कहना है कि काम करने वाली और बात करने वाली सरकार में यही अंतर है। जब से राज्य में JDU की सरकार है तब से यहां सिर्फ काम हो रहा है। तो तक सहयोग के नहीं के बावजूद अपनी क्षमता, अपनी विजन और अपनी सोच और अपनी केंद्रीय गठजोड़ करके और जनता के बीच आकर्षण और उसको जज्बा पैदा करके आज हमारा GDP सर्वाधिक है। यही है काम करने वाले का दिखाई देता है। हम इसके लिए नीतीश कुमार जी को, सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहते। हजारों खबर, उनमें होती है कुछ खास खबर जिनका होता है आप पर असर। हिंदुस्तान स्पेशल शाम 7:10 पर। जाहिर है 2005 में राज्य की जो हालत थी वो किसी से छिपा नहीं है। राज्य में अराजकता का माहौल था, अपराध और गुंडाराज से जनता परेशान थी, विकास का नामो निशान नहीं था। लेकिन जब से सुशासन बाबू नीतीश कुमार ने बिहार की सत्ता संभाली तब से राज्य में बहुत कुछ बदला है। राज्य के नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा का कहना है कि 13 साल में राज्य में आधारभूत संरचना पर काफी काम हुआ जिससे लोगों की आय बढ़ी है। बिहार आज तरक्की की राह पर अग्रसर है। NDA सरकार जब पहली NDA आई और अब NDA आई, इसमें विकास के बहुत सारे काम हुए हैं। जहां हम बिजली के लिए तरसते रहते थे वहां घर में बिजली
अब जाती है तो हम कभी सोचते कि थोड़ी देर के लिए बिजली क्यों चली गई, एग्रीकल्चर आउटपुट्स और इनपुट्स में सामंजस्य बैठा है, आज बिजली से पटवन हो रहा है। विकास दर के आंकड़ों पर गौर करें तो बिहार तरक्की की राह पर है, लेकिन आंकड़े और जमीनी हकीकत में काफी फर्क होता है। आधारभूत विकास के साथ राज्य में रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में विकास की बहुत ज्यादा जरूरत है। हालांकि माहौल चुनावी है, लिहाजा जेडीयू और बीजेपी इसे भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहेगी। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन का कहना है कि राज्य में सुशासन की स्थापना हुई है, विनिर्माण के क्षेत्र में बहुत तेजी से काम हुआ है, आगे और बेहतर काम होगा। सरकार की जो नीतियां हैं और उन नीतियों का जिस तरीके से क्रियान्वयन जमीन पर हुआ है, ये उसको रेखांकित करने का एक संकेतक है। और इससे ये बिल्कुल साफ हो गया है कि बिहार में जो एक भ्रम पैदा करने की कोशिश की गई है अपोजिशन खास करके राजद और कांग्रेस के द्वारा कि बिहार में विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, उनको इसका करारा जवाब भी मिला है।